So hi, hello, and what's up everybody? It's your boy Great Chetty and welcome back again my YouTube channel guys. So after long guys my vlogs kar raha hu kyunki mera exam tha, so I was not getting time to make a video. So abhi finally main aa chuka hu aur aaj 31st December. So happy new year. Ye vlog upload karte karte new year ho jayega, I know for the sure. So आज का हम लोग का प्लान है रायमाटंग डिपू जाने का. सो अभी 10 बजने वाले हैं. सो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, पता नहीं कितना टाइम लगेगा. मैं कभी नहीं गया रायमाटंग डिपू, सो दिस इज द फर्स्ट टाइम कि मैं जा रहा हूँ रायमाटंग डिपू पिकनिक स्पॉट घूमने के लिए, और आपको भी वहाँ पे दिखाऊंगा. सो अभी मेरे पास फोन में चार्ज है, सो चार्ज करके मैं यूज कर रहा हूँ. सो स्टे विद मी गाइस, चिल द एंड. ओके, आज का व्लॉग्स बवाल होने वाला है, स्टे विद मी. So, अभी हम लोग चलते हैं रायमाटंग डिपू की तरफ. तो ये फर्स्ट टाइम है मेरा रायमाटंग डिपू जा रहा हूँ, ठीक है. सो अभी हम लोग का आधा दोस्त अनम भी वेट कर रहे हैं वहाँ पे, हाँ सीमा के उधर में. सो वहाँ पे जाएंगे, तेल लगाएंगे, फिर चलते. तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे हंसी मारते हैं क्योंकि मोटरसाइकिल तो मेरे दोस्त का भी चैनल है, उसका नाम चॉकलेट बॉय. मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके सब्सक्राइब करके चेक कर लेना. और वो भी बहुत मेहनत करते हैं ब्लॉग्स के लिए. तो उसका एक्सपल्स है एक्सपल्स 400 और मेरा R15 V3. तो अभी हम लोग जा रहे हैं, एक्चुअली हम लोग जिस जगह में जा रहे हैं उसके लिए एक्सपल्स बहुत बेहतर है R15 के मुकाबले में. बट होता है ना, मज़ा आएगा फिर, है ना गाइस. सो रायमाटंग डिपू पहुँचने से पहले हम लोग कालचीनी में थोड़ा रुके खाने के लिए. सो इस भूखे को भी कुछ खिला दो. सो ये रहा 40 रुपए का मोमो एक प्लेट, पैसा वसूल. चौमिन इधर में है, हाफ प्लेट 20 और फुल प्लेट 40. सो गाइस अभी हम लोग मतलब नदी में यहाँ पे रायमाटंग डिपू पे. सो अभी मैं यहाँ से बाइक चला रहा हूँ, एक हाथ से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ क्योंकि मेरा पास वो मोटर ब्लॉगिंग का सेटअप नहीं है, अभी अटैच नहीं किया वैसे भी. सो ये तो अभी हम लोग चलते हैं गाइस, आपको भी दिखाता हूँ, बहुत मज़ा. लेकिन राइड में एकदम बढ़िया, लेकिन आरुण भाई में थोड़ा डिफिकल्टी हो जाता है, लेकिन अभी तक तो नहीं हुआ उतना क्योंकि हैबिट बैठ चुका है. लेकिन मेरा दोस्त जो लाया है एक्सपल्स, वो बब्बा लेगा इस जगह के लिए दामी. सो मैं थोड़ा आपको आगे का भी सीन दिखा देता हूँ, ठीक है. सो ये रहा गाइस कुछ रायमाटंग डिपू के रास्ते का जाने का रोड, और ये रहा एक हाथ से बाइक चला रहा हूँ. मैं गियर एक ही में डाला हूँ, और मतलब दो गियर में डाल के चला रहा हूँ. और ये रहा पूरा जय का सीन, आप लोग देख सकते हैं, बढ़िया. डालते जा रहेगा सभी, चलते हैं गाइस. तो फाइनली कालचीनी पार करने के बाद, नदी सदी पार करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं रायमाटंग डिपू. और यहाँ पे बहुत सारे लोग पिकनिक भी आ रहे हैं, लेकिन हम लोग घूमने से भी आए, पिकनिक खाने से नहीं आए. तो और हम लोग यहाँ पे पोल्टी लेके आया है, तो पोल्टी कटिंग करेंगे उसके बाद झुस्ता के क्या बोला गया खाएंगे बोला था. हम लोग लाने वाले थे पोल्टी, लेकिन हम नहीं लाए, रास्ते में भूल गए. सर झमेला होगा ना, हम लोग सिर्फ घूमने आए हैं तो क्यों पोल्टी लेके गए. पोल्टी पोल्टी के रास्ते में ध्यान दो, काम क्रिया कर रहे हैं हम लोग. सो ये रहा पिकनिक हो रहा है. सो अभी तो ज्यादा टाइम भी तो नहीं हुआ है, अभी 12:28 हुआ. सो ये पीछे तरफ में पूरा नदी माउंटेन सब है ना, पिकनिक बढ़िया हो रहा है. सो हम लोग थोड़ा घूमेंगे ये जगह, थोड़ा अंदर भी जाएंगे, बस्ती तरफ भी थोड़ा जाएंगे, घूमेंगे, आपको सभी दिखाऊंगा, ठीक है. हम लोग यहाँ पे थोड़ा अंदर में घूम लिया है, और ये पीछे आप लोग बोर्ड देख सकते हैं, मेरा घर है. क्या लिखा है, रायमाटंग रेस्ट हाउस. मेरा घर है गाइस, ये मेरा घर है, ठीक है. मैं पता है जगह पीसफुल है गाइस. हाँ कितना है एटा फोटो को, 20 रुपए. ल ल भाई अहिले घर नजाला नि,
सो ये रहा कुछ पीछे देखो चरती कला सो एकदम पीसफुल जगह है, पीसफुल। तो हम लोग गांव के तरफ अंदर आए, थोड़ा घूमते फिरते है ना, क्योंकि फर्स्ट टाइम आए सो घूमेंगे। तो अभी हम लोग थोड़ा गांव के अंदर में घूमने आए, थोड़ा गांव को भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। आप कैमरा पूरा हाल ही सो थोड़ा गांव एक्सप्लोर कर लेते हैं। यहाँ पे ज्यादातर घर सब वुडन के ही है, नेपाली में टाणी घर बोलते हैं और हिंदी में पता नहीं, वुडन हाउस बस सिंपल वर्ड में छैन क्या फारस छ क्या उता जङ्गल जान्छ क्या यहाँ के सड़कें थोड़े खराब है हम लोग का बाइक के लिए, बट वो पीछे वाला बाइक के लिए एकदम परफेक्ट। जंगल देखिए जानू क्यों घुमा रास्ता यहाँ का बहुत ही खराब है, जंगल का रास्ता यहाँ बड़ा घुमा रुक पर रास्ता सब खराब है। हम लोग जंगल के अंदर जाने वाले थे, पता नहीं यहाँ पे जाना वाला वो भी है या नहीं लेकिन मजा आ रहा है घूमने के लिए, लेकिन पीसफुल जगह है। घुमाना तो बाइक करूं यारा पप्पन के वंटर साहब पहाड़ी फोड़ो एक्सपल्स ये तो जैसे कि नारंग हैंसम आदमी इधर में देख के दूर दूर शर्मा रहे इस तरह जब हैंसम है हम तो कुछ नहीं बोल सकते फिर मेन मतलब जो डिपो है पिकनिक पॉइंट वहाँ पे आए, सो अभी थोड़ा नीचे जा रहे फिर हम लोग घूमने के लिए। सो ये रहा थोड़ा नीचे जाने क्योंकि फर्स्ट टाइम है, सो हम लोग कोई भी जगह मिस कर आउट करना नहीं चाहते, सो चलते ल ल भाइ तल घर जान छैन नि, बाइक त मेरो हो ल, नदी देखाएको भाइ घर नपुग्ला सेतो ल सो हम लोग यहाँ पे घूमने घूमने एक चीज पता चला है कि यहाँ पे पर्पल पत्थर ज्यादा मिलेगा। देखिए तो क्या आपको दिखा देता हूँ, ऐसे पर्पल कलर का पत्थर बहुत ज्यादा है इधर में, है ना नहीं हो कहाँ पर्पल ही नहीं पूरा ज्यादा पत्थर का कलर इधर में पर्पल ही है, आई लव पर्पल जैसा है तो ये जगह तो चलो कोई बात नहीं। सो मोटे ऊपर चढ़ते चढ़ते थक गए देखो गाइस कितना ऊपर से कितना नीचे से आया हम लोग मेरा निकल गया आई नहीं नहीं दम निकल गया मेरा इसलिए जोश जोश में होश कौन नहीं होता है। सो अभी हम लोग ये एक होम स्टे है यहाँ पे, उसका यहाँ पे आए झील भी बोल सकते हैं और पॉन भी क्या बोलते हैं वही यहाँ पे, और यहाँ पे एक होम स्टे भी है। हाँ ना छोटो बनाए ना छोटो बनाए ना मेरी। सो अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा घूम लेते हैं, ये होम स्टे सब भी आए तो सभी जगह एक्सप्लोर कर ही देते हैं ना, आपको सभी कुछ दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे भीड़ भाड़ भी होता है और ये रहा आपका होम स्टे। Cool. सिंपल में, और ये रहा झील आपका, और ये आपका हो गया होम स्टे। अबे एक दिन ऐसे गाड़ी लेकिन देख सकते
चाबी मेरे पास है, गाड़ी मेरा है। लाला तेजी मेरे बाइक का चाबी जस्ट जस्ट लाग्यो। सो यहाँ से कुछ ऐसा टाइप का सीन दिखता है आपको? कसम भनेको म त्यो दिनको अगाडि पढ्दैन केटा। यो होमस्टे का लेकिन पीसफुल है गाइस जगह। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ से निकलने का प्लान कर रहे हैं, अभी 2:30 हो चुका है। सो यहाँ पे ज़्यादा रह के भी क्या करेंगे, घर भी दूर है। सो आज घूमना उमना हो गया, कपड़े बिगड़े हो, गाँव सा भी घूम लिए, पिकनिक स्पॉट भी घूम लिए, नदी भी घूम लिए। सो अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं। अरे भाई कसो लाग्यो? शांति छ है लेकिन जगह बहुत पीसफुल है गाइस। सो अभी कितने लोग भी पिकनिक खेल गया, अभी वापस जा रहे हैं। और हम लोग तो पिकनिक खेलने आए भी नहीं थे, घूमने ही आए थे। सो अभी हम लोग यहाँ से भी निकलते हैं गाइस। सो शायद आज का व्लॉग्स यहीं पे एंड करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग्स अगेन। बाय बाय, टेक केयर।